हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने मायके का टूर करवाऊंगी और चलिए देखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला, क्योंकि मैं आज आई हूँ अपने मायके। तो मायके में मैं दिखा रही हूँ कि मेरे यहाँ देखिए बहुत सारी सब्जियाँ लगी हैं। ये है लौकी, और देखिए बढ़िया ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जियाँ। और ये सब देखिए आप, लौकी लगी, ये देखिए, ये देखिए, ये लौकी, ये देखिए, ये देखिए आपको अच्छी लग रही है। ये लौकी का पेड़ है, देखिए बहुत अच्छे से है, गांव में है, ये देखिए। और ये देखिए लेडी फिंगर है, ये देखिए इसको भिंडी जिसको बोलते अपने भिंडी, तो इसका पेड़ देखिए कितना लंबा है, इसको देखिए आप देखते रहिए, ये देखिए। तो ये देखिए भिंडी है, और इधर भी लगाया है भिंडी, ये देखिए, देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हैं भिंडी की। और इधर ये भटे के पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए, ये देखिए इधर से इधर, और बहुत अच्छी हरी हरी जगह, हरियाली है बहुत यहाँ, ग्रीन ग्रीन जगह मतलब देखने को मिल रहा है आपको, और आपको पसंद बहुत आने वाला है यहाँ का वीडियो। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, आज ऐसा लग रहा है जैसे पानी गिरने वाला है। तो देखिए आप लोगों को ये मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है यहाँ का, और बहुत ज़्यादा हरी हरी जगह हर चीज़ देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए आप, देखिए कहीं भी इतनी ज़्यादा हरियालियाँ हैं, और हर जगह देखो गिलकी का पेड़ लगा है, वो देखिए आप, उसमें फूल भी आ रहे हैं, और तरोई भी लगी है, तरोई का भी, जिसको हमारे यहाँ तो तरोई बोलते हैं, आपके यहाँ नेनुआ बोलते होंगे शायद, तो वो देखिए उसका भी है। इधर इधर देखिए आमले का भी पेड़ है बहुत बड़ा, ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन है, ये देखिए। तो ये हो गया, और इधर देखिए हर जगह देखिए, हमारे कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी देखोगे, यदि आप कहीं भी देखना चाहोगे तो हर जगह ग्रीन ही ग्रीन दिखेगा आपको। तो इतना अच्छा मौसम भी देखिए, बहुत अच्छा बादल भी देखिए, बहुत अच्छे हैं, मौसम का भी फ़र्क पड़ता है यहाँ। और यहाँ सब्जियाँ बहुत सारी लगी हैं, ये देखिए आप, ये देखिए बहुत ऐसे, देखिए यहाँ हमारे यहाँ ये देखिए भिंडियाँ लगी हैं, देखिए शहरों में ये सब चीज़ें नहीं मिलती देखने को, बहुत कम जगह मिलती हैं, गांव में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, गांव में भी जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें गांव पे ही मिलती है। ये देखिए हर जगह देखेंगे आप, देखिए कितनी सारी सब्जियां लगी हैं, ये देखिए लेडी फिंगर तो लगी है बहुत सारी, ये देखिए कितने अच्छे, और ये देखिए ये लौकी, ये देखिए ये भी लग रही हैं, अच्छी लौकियाँ लग रही हैं, देखिए। तो आप भी, आप लोग भी लगा सकते हो, बढ़िया गांव जाओ, गांव का एंजॉय करो, मज़ा करो। ये है बरबटी का पेड़, ये देखिए, देखिए ये बरबटी का पेड़ है, ये देखिए। और चलिए मैं आज आप लोगों को मिलाती हूँ, टूर करवाती हूँ अपने मायके में। तो से प्रकाश नहीं आ रहा है, छोटी सिस्टर आई है, और देखिए आपको दिखाएगी लौकी कि लौकी कहाँ लगा। देखिए उसको लौकी नहीं दिख रही, इतनी बड़ी लौकी लगी है सामने, ये देखिए, और उसको लौकी नहीं दिख रही है। देखिए हम दिखाते हैं आपको लौकी कि लौकी कहाँ लगी, उसको लौकी ही नहीं दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए लौकी लगी है, ये लगी है, और ये देखिए हाँ ये भी लगी है, ये देखिए दिखा रही, और भी आपने घर वालों से मैं मिलवाऊंगी ज़रूर आपको, देखिए। ये मेरा भतीजा है, बैठा है, उसको फीवर आ गया है, वो टैबलेट दिखा रहा है, टैबलेट खाने वाला है, क्या अंदर है इसलिए लाइट फोकस नहीं कर रही है।
और ये मेरी आंटी हैं सेकेंड नंबर की। आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए पूरी फैमिली। इधर देखिए, और एक आंटी हमारी, ये देखिए थर्ड नंबर की जो छोटी वाली है वो है। देखिए आज खाना बन रहा है, सबका यहाँ देखिए आज प्रोग्राम है, इसलिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं अभी। और ये मेरी भाभी जी हैं, ये देखिए पूरी ब्लॉग है भाई। ये देखिए हो गया, सब जानते हैं गांव है, गांव का टूर अलग होता है। आप लोगों को हाथ पकड़ नहीं काटता, मेरा नहीं काटता। और मैं आपको ये थोड़ा सा होम टूर भी करवाऊंगी कि गांव नज़ारा देख सकते हो कि कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा हर जगह। और मैं आपको मैं दिखाती हूँ, मेरे यहाँ लोटस भी लगा है, फ्लावर है बहुत बड़े बड़े, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ लोटस का फ्लावर भी है। यहाँ मैं आपको कैसे दिखाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ ग्रीन ग्रीन है सब कुछ, तो कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ मेरे यहाँ लोटस भी लगे हैं। अब आज बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे स्कूल है पास में तो तोड़ लेते हैं, फिर भी दिखाती हूँ कहीं हो। आज तो खिला नहीं है, कल ही आ रही हैं, मगर ये कहीं दिख नहीं रहा। ये देखिए दिख रहा, मगर ये बहुत सारे यहाँ कचड़े वचड़े हो गए हैं, इसलिए ये देखिए। देखिए पास से मैं, यहाँ क्या बहुत ज़्यादा पानी है, बारिश हुई है बहुत, तो जा भी नहीं सकती मैं नीचे, डर लगता है क्योंकि आज खिले हुए नहीं है। तो ये देखिए, और ये चिड़ियों की चहचहाहट, यहाँ कौवे की बोलने की आवाज़ देखिए आप सुन सकते हैं। और कहीं भी ऐसा नहीं है, हर जगह देखिए आप बढ़िया हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है यहाँ आने के बाद, यदि मैं अपने मायके या ससुराल भी जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हर जगह ग्रीन ग्रीन देखने को मिलता है। शहर में है तो ग्रीन ग्रीन कोई चीज़ आप देखते हो फिर भी इतनी खुशी नहीं मिलती, मुझे तो बहुत बड़ी खुशी मिलती है, मुझे बहुत तसल्ली होता है ये सब चीज़ देख के। ये देखिए, ये देखिए यहाँ, ये क्या धान का पेड़ है, हमारे यहाँ धान की खेती हुई है, अभी धान का सीज़न ही है मतलब, तो इसको क्या धान का बोलते हैं। देखिए धान आ रहे हैं इसमें, ये देखिए धान की है, ये देखिए, ये देखिए आप देख सकते हो, जैसे ये देखिए। और मैं क्या बोलूँ आप लोगों से, आप लोग खुद जानते हो कि गांव का माहौल कैसा होता है और कैसे लोग रहते हैं, और यहाँ सब लोग इकट्ठा होते, कुछ भी कार्यक्रम होता है या त्यौहार या कोई भी, अभी तो श्राद्ध का टाइम चल रहा है तो सब लोग बहुत, सब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, सबका खाना पीना होता है, तो सब लोग खाना पीना भी अभी बनवा रहे हैं, अभी लेट हो रहा है, तीन टाइम हो गया, दो बज गए हैं, दो बजे ये टाइम पे अभी बन रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार होता है इसलिए टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मैं सोची क्यों ना आज आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लूँ, तो चलिए देखते हैं। और क्या, अभी अब कुछ नया नया ब्लॉग दिखाऊँगी मैं आपको, आज फर्स्ट डे है मेरा इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग बना के लाई हूँ। ये देखिए, ये एक कोड़े का पेड़ है जिसको कोड़ा बोलते, कद्दू हमारे यहाँ कोड़ा बोलते हैं, और बाहर हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कद्दू बोलते हैं, गांव में कोड़ा ही बोलते हैं। तो ये कोड़ा का पेड़ हो गया, देखिए हर जगह कहीं भी आप जाओगे, ये हमारे यहाँ इसको सूरन बोलते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, हमारे साइड सूरन ही बोलते हैं, सूरन इसके नीचे अंदर होता है मतलब ज़मीन में, जब ये पेड़ जो हरा है वो जब पीला हो जाता है तो ये बोलते हैं कि नीचे मतलब पक चुका है, तो उसको फिर सब लोग घर पे खोदते हैं, निकालते हैं उसको, उसको सूरन बोलते हैं हमारे साइड। अब आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग क्या क्या बोलते हैं ये। देखिए गांव में बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं सब लोग, देखिए ये देखिए,
सब मिलके सब लोग, मेरी सब छोटी भाई बहन भतीजी सब लोग हैं, सब लोग देखे कैसे मस्ती कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आज किसको पैसा मिला किसको नहीं मिला पैसा। आप लोग आज पैसे की बातें चल रही है। हमारा घर के पास रोड, मेन रोड गई है, हमारा घर है इधर, देखिए आप रोड देख सकते हैं। देखिए कहीं भी आप देखो, देखिए तो चिग्री हरे 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 हरे, जहाँ भी आप देखोगे वही हरा हरा दिख रहा है, ऐसा है ही नहीं कहीं सूखा सूखा दिखे। और बढ़िया अच्छी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये भैंस है हमारे यहाँ, हमारे चाचा जिसको कहीं बाहर से दूध नहीं लेते, घर पे ही दूध निकलता है। और ये गाय हैं उधर भी, दादाजी उधर भी। ये देखिए कद्दू लगा, देखिए देख रहे आप कद्दू, यहाँ देख यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे हरा हरा हर जगह, तो डर भी लगता है अंदर जाने में। ये देखिए नीचे भी तो देखिए, और मैं आपको दिखाती हूँ इधर मेरे बगल में है उनके यहाँ भी, देखिए ये देखिए भिंडियों के पेड़ लगे हैं, ये देखिए तो थोड़ा दूर है इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रही हूँ, जा नहीं सकती क्योंकि अगर यहाँ से, ये देखिए पेन जा रही बच्चों की, और ये है मेरा मायका, और ये मेरे मायके का पुराना घर है। ये देखिए